हाय, मैं हूँ मोहित मल्होत्रा। आप मेरे साथ खेल रहे हैं बातों ही बातों में। आज मेरे सारे बहुत सारे अनसुने किस्से हैं जो आप मेरे साथ सुनेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से किस्से हुए मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब मैं 5 साल का था तो बड़ी शरारत करता था और मेरी चोरी पकड़ी जाती। ऑडिशन वाले दिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है और एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, जो मुझे लगता है ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि जब ऑडिशन होता है तो दैट्स अ टाइम यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू से कि यार आई कैन क्रैक दिस, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। लास्ट टाइम मुझे इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि जब मुझे खाना टाइम पर नहीं मिला था, और जब भी खाना टाइम पर नहीं मिलता ना, थोड़ी सी मुझे भूख लग रही होती है तो मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता। मेरी फेवरेट को-स्टार हैं। मेरी फेवरेट को-स्टार यार बहुत सारी, सारी की सारी को-स्टार मेरी फेवरेट ही हैं। जब से मैंने टेलीविजन शो शुरू किया है तो ऑल हैव बीन फेवरेट्स। आज मैंने खाने में बटर चिकन बनाया है और उसे मैं खाऊंगा। एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, मेरे कुक ने बनाया, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट दैट। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कुकिंग करना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, तो जो मैं कुकिंग करता हूँ और जो खाना बनाता हूँ वो खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा पहला क्रश था स्कूल के दौरान मेरी ना एक स्कूल टीचर होती थी और सिंगिंग टीचर थी वो, और वो ना बहुत अच्छा गाना गाया करती थी और तब से मुझे उन पर बड़ा क्रश था, और मैं हमेशा आके मम्मा को बताया करता था कि वो बहुत अच्छी टीचर है, मेरे को लगता है कि मैं उन्हीं की क्लास में बैठूं और कुछ और कहीं किसी क्लास में नहीं जाऊं। मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ द प्रोफेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि विद द लाइट्स एंड कैमरा एवरीथिंग यू नो दैट डिमांड्स मेकअप, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना कम से कम हो उतना मेकअप करूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे। पिछली बार मेरी लड़ाई बचपन में हुई थी यार, अब तो मुझे लगता है बहुत, जब मैं छोटा सा बच्चा था, अब मैं लड़ाइयाँ नहीं करता हूँ। मोहित मल्होत्रा की कोई एक खास बात? मेरी एक खास बात यह है कि मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे पढ़ना में बड़ा दिलचस्पी है, आई रीड अ लॉट, तो ये सब चीज़ें जो है मुझे आई रियली लाइक। मेरी फेवरेट ड्रिंक है ऑरेंज जूस। आई नीड दैट ऑरेंज जूस इन द मॉर्निंग, किसी भी हाल में, मतलब ब्रेकफास्ट के साथ, और आई वुड नीड दैट व्हाइल आई एम ड्राइविंग टू द शूट। मेरा पहली बार ब्रेकअप तब हुआ था जब मैंने पहली बार प्यार किया था। एक बार मैंने किसी को जोर से थप्पड़ मारा था, क्यों? यार नहीं, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। बचपन में कभी लड़ाइयाँ की होंगी तो की होंगी, लेकिन अभी नहीं। मैंने मेरी पहली सैलरी जो कमाई थी वो थी जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी और मुझे 3,000 रुपये मिले थे, और दिलचस्प की बात है कि ना उन्होंने मुझे एक हैंड मॉडलिंग के लिए बुलाया था, और मैंने कहा ठीक है कुछ भी मॉडलिंग करेंगे वट एवर इट इज़, और मेरा हैंड है उन्होंने लैपटॉप के लिए शॉट से, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा सर हम आपका फेस भी लेना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू इंक्लूड यू इन दैट, तो तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था यार कि मैं गया किसी चीज़ के लिए था, एंड देव इंक्लूडेड मी इन दैट ऑल्सो, तो बड़ा अच्छा लगा था। मैं जब कहीं लेट पहुंचता हूं तो हमेशा बहाना मार देता हूं यार आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था ना, तुम भी लेट ही आयोगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक जो है एकदम बड़ा कॉमन सा बहाना है और हर जगह ट्रैफिक होता ही है बॉम्बे शहर में, तो हमेशा काम करता था वो। लास्ट टाइम जब मैंने ड्रिंक की थी तो मैं सो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रिंक करता नहीं हूँ, और अगर कभी किसी ने ज़बरदस्ती कभी पिला दी तो फिर आई थिंक आई जस्ट स्लीप आफ्टर दैट। मैं अपने बारे में ये अफवाह फैलाना चाहता हूँ कि मैं जेनिफर लॉरेंस को डेट कर रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे खाना टाइम पे नहीं मिलता है। बिल्कुल, आपकी को स्टार टीना दत्ता भी आपके अपोजिट थी। जी जी जी, तो उनके साथ काम करना कैसा रहा? जी जी, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके भी, और हमारा जो एक केमिस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी थी, सो इट्स बीन रियली ग्रेट वर्किंग विद हर।
बट कई तरह की मुश्किलों का भी सामना आपको करना पड़ा जी, आप पर आरोप जी, जी 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 ऐसे सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे संभाला, अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जो भी था वो यू नो द थिंग्स हैव बीन रिट्रैक्टेड और जो है यू नो आई हैव कम आउट क्लीन फ्रॉम दैट. And I'm thankful to everyone that, you know, everybody has come out in my support. The truth has prevailed and I'm very happy for that. अब आगे किस तरीके से देख रहे हैं अपना करियर एकता के साथ, क्या और भी शो आपके पास? जी जी, जी, जी एकता कपूर जी के साथ उम्मीद करता हूँ कि बहुत और भी सारे शोज उनके साथ हम करेंगे, क्योंकि ये मेरा चौथा शो है. मैं चाहता हूँ कि मेरे 40 शो उनके साथ हों. अभी तो शुरुआत है, तो अभी चलती रहेगी शुरुआत और मुझे लगता है कि हम आगे जाके और अच्छा काम करेंगे उनके साथ. अच्छा मोहित, इंटीमेट सीन्स करने से तो अब थोड़ा सा डर लगता होगा? नहीं, इंटीमेट सीन्स पहली बात तो कभी हमारे शो में कभी हुए नहीं. सो देयर वाज नेवर बीन एन इंटीमेट सीन इन द शो. तभी जो सच है वो सामने आ चुका है सबके सामने. और ऐसा कुछ नहीं यार, ये दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, यू शुड बी एबल टू डू व्हाट यू नीड टू डू. बॉलीवुड को लेकर के क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कहीं से ऑफर आया या फिर आपकी इच्छा? इच्छा ज़रूर है बॉलीवुड में काम करने की, क्यों नहीं, क्योंकि हर एक्टर चाहता है कि वो टेलीविज़न से यू नो ग्रेजुएट करके बॉलीवुड में जाए. और बस मैं चाहता हूँ कि जैसे लोग मेरे काम को प्यार और सराहना देते रहें, देते रहिए, और जल्दी हम किसी बॉलीवुड फिल्म में और कुछ बॉलीवुड में काम भी करेंगे. किसको आप बचपन से देखते बड़े हुए हैं बॉलीवुड एक्टरों की बात करें तो? बॉलीवुड एक्टरों की बात करूँ तो यार मैंने काफ़ी सारे मेरे आइडल्स रहे हैं. मेरे को ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, और मुझे ऋतिक रोशन की जो मेहनत है बहुत मुझे इंस्पायर करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में. और यू नो एंड ही इज़ ऑलवेज यू नो कम बैक विद अ बैंग, तो ही इज़ अमेजिंग. प्लस शाहरुख खान है, यू नो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई आइडल्स, एंड द वे ही स्पीक्स इज़ वेरी कमेंडेबल, एंड आई ऑलवेज वॉच हिज इंटरव्यूज टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. वेब सीरीज की दुनिया है, बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जी जी. आप भी वहाँ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, कैसे देखते हैं एक वेब सीरीज़ को? वेब सीरीज़ यार एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, एक उसका किरदार और उसकी स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है. तो चाहे वो टेलीविज़न हो, वेब सीरीज़ हो, फिल्म्स हो, आप अपने किरदार को किस तरीके से निभा पाते हैं और यू नो आपको किस तरह से आपके जो व्यूअर्स हैं और फैंस का प्यार मिल सकता है, दैट्स व्हाट इट मैटर्स. लेकिन वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट ओपन हो रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ मुझे भी ऑफर हो और मैं भी उसे कर पाऊँ. बहुत बड़ा शो है बिग बॉस जी, जिसमें जाने के लिए लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं और बाहर निकलने के बाद नेशनल चेहरा हो जाता है. जी जी, आप भी देखते हैं बिग बॉस? जी मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ बिग बॉस, क्योंकि मतलब ये ऐसा शो है जो मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ देखना, क्योंकि इतना सब कुछ झगड़ा और कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं. लेकिन बड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है, तो यू नो कभी कभार अब क्लिपिंग्स देख लेते हैं जब वो कोई चीज़ वायरल होती है. तो आई थिंक मेरी जो व्यूइंग है वो लिमिटेड है बिग बॉस की. अक्सर देखा गया है कि बिग बॉस में उन्हीं सदस्यों को बहुत ज्यादा बुलाया जाता है जो कंट्रोवर्सी झेल चुके होते हैं. जी, और जी. फिलहाल पिछला जो समय गया है जी, आप तो हमेशा ही सुर्खियां बने रहे हैं, बहुत सारी टीआरपी आपने चैनलों को दी. जी, जी. तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 12-13 में आपकी एंट्री हो सकती है, अगर होती है जी जी, तो क्या मानसिकता लेकर जाएंगे, क्या कुछ आप? नहीं यार, बिग बॉस ना ऑनेस्टली मुझे पहले भी ऑफर हो चुका है और मैंने नहीं किया था, तो अभी मुझे लगता नहीं कि सही वक्त है बिग बॉस करने का. हाय, मैं हूँ मोहित मल्होत्रा. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें राइट हियर डाउन बिलो, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग hindirush.com.